न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लापता युवक का नदी में उतरता मिला शव। होली के दिन युवक लापता हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गोंडा का यह पूरा मामला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। सरयू नदी मनिहारी घाट पर शव उतरता देख लोगों में हड़कंप मच गया। परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर के बिट्टूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां कई लोग घायल हुए। वहीं मामले में कानपुर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कई पीड़ितों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर उनकी भी रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 25 मार्च को साहिल शिवा सूरज और सूरजबरी गुड्डू अपने घर जा रहे थे। इस दौरान चिरान गांव के निवासी विजय वर्मा, रूप राम, मनोज, नरेश, नीरज, नंदू, मूलचंद तमाम लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह से वो जान बचाकर भागे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वही संबंध में डीसीपी पश्चिम विजय जुल ने बताया कि इस मामले में दो पक्षों का विवाद हुआ। प्रथम पक्ष के लोगों ने पुलिस में पहले शिकायत दर्ज कराई थी, उनके लोग भी घायल हैं। अब दूसरे पक्ष के लोग यहां आए थे, जिसमें बिछुर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इनका भी मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज की जाए। ये थाना बिछुर क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में लोगों के आपस में विवाद हुआ। इसमें जो पक्ष जिसमें लोग घायल हुए थे, उनके द्वारा थाने पर सुसंगत धाराओं में जो एप्लीकेशन थी, उसमें सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत हुई। आज दूसरे पक्ष के लोग मेरे से मिलने आए थे। उनका ये कहना है कि साहब उनके पक्ष के लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उस वक्त जब पुलिस गांव में गई थी तो ये पक्ष भाग गया था। आज ये पक्ष आया तो मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि इस पक्ष का भी मेडिकल कराकर इनके द्वारा जो तहरीर दी जाए उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए, और विवेचना में जिस पक्ष का जैसा दोष होगा उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बीते दिन सेन पश्चिम में पारा थाना क्षेत्र के ग्राम कसीगावा गांव में दो व्यक्ति को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वही दो अभियुक्तों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और अन्य के नाम बताने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वही मृतक के परिजनों ने पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 19 तारीख को सेन पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र के गाँव कसिया में दो भाइयों की जमीनी विवाद के चलते जलाकर मार देने की घटना हुई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। लेकिन मृतक के परिजन अन्य आरोपियों पर कार्रवाई न होने से बेहद नाराज हैं। उसको जला के मार दिया, दो लोग तो मार नहीं सकते हैं। इसमें इमा पूरा मतलब 8-10 लोग रहे हैं, उनके घर में पत्तल भी नहीं करे, कोई जाँच नहीं पुलिस वाले कर रहे हैं, और हमारे बच्चे को ऐसे जला के मारा है तेजाब का अंकल डर डर के ना। और हम कहा था विनोद की दुल्हन का वो पकड़ो और पूरी जानकारी हुई। अभी मुकदमा कितने लोगों पर लिखा हुआ है? अबे दो लोगों पर नाम सबके लिखे हैं, लेकिन लैंसडाउन वन प्रभाग अंतर्गत कोडरी रेंज से लगे गांव में हाथियों का आतंक बना हुआ है। देर रात कोटद्वार तहसील से लगे स्नेह पट्टी के रामपुर गांव में हाथियों के झुंड के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। लैंसडाउन वन प्रभाग के वन क्षेत्र से लगे गांव रामपुर, लालपानी, कोडरी, विशनपुर में हाथियों ने गेहूं की फसल चौपट कर दी। ग्रामीण अनीता रावत ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड से गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हाथियों को खेत में भगाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी लगातार आक्रामक रुख अपना रहे हैं। कल जो है हाथी रात को 2 बजे जो है हमारा गेट तोड़ के हमारे घर में आ गया था, और उसके बाद उसने हमारे चौक की जो है फुलवारी को तोड़ा और पास के गेहूं के खेत में उसने गेहूं की फसल पूरी रौंदी, और हमारे घर की टंकी जो पानी से भरी हुई थी उसमें उसने पानी पी के टंकी वगैरह पलटा दी थी। इसके साथ ही हमारे जान माल को बहुत नुकसान है उन हाथियों के द्वारा, और कोई शासन प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। झांसी के थाना तोड़ी फतेहपुर क्षेत्र महेवा में एक युवक चोरी की नियत से घर में घुसा। उसके कुछ साथी भागने में सफल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृहस्वामी ने घर के अंदर कैद कर लिए सूत्रों की माने तो पुलिस आरोपी की मदद करने में लगी हुई है। वहीं गृहस्वामी को भी पकड़कर थाने जाया गया, और साथ ही साथ उसका कहना है कि एक ऐसा कानून है जहाँ पीड़ित को भी थाने में लाया गया है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के आखिरी नामांकन के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी कि RLD ने चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से RLD पार्टी से मौजूदा विधायक भी हैं। चंदन चौहान के परिवार से सियासत में पुराना और बड़ा नाम है। चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। मीडिया से मुखातिब करते हुए चंदन चौहान ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों पर दोनों प्रत्याशियों की जीत बताई है। क्या आज बिजनौर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से
जो है बिजनौर लोकसभा का नॉमिनेशन करने का काम किया। प्राथमिकता एक ही है कि किस तरीके से खुशहाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को धरातल पर सिद्ध करना और आने वाले समय में 2047 का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश को। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने दलित महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उनको भी लाठी डंडों से जमकर पीटा। थाने में पीड़ितों की नहीं हुई सुनाई, पीड़ितों को थाने से पुलिसकर्मियों ने भगाया। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बशरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। लोकसभा 2024 को लेकर जिला प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है। बस्ती जिले में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। लोकसभा 2019 में कुल 57% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कई तरह के अभियान शुरू कर दिए हैं। 18,90,000 मतदाताओं की जो सूची में जो हमारे जो इनिशियल जानकारी ये मिली है कि 1,49,000 के आसपास है जो प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी इस जनपद से उपलब्ध है। तो एक अभियान हम लोग विशेष रूप से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये चला रहे हैं कि जनपद में जो 3,75,000 जो घर है, प्रति घर पे एक निमंत्रण पत्र जाएगा जो 25 मई 2024 जो चुनाव की तिथि को। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हरिद्वार में भी भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। कुछ लोकसभा प्रत्याशी चुनावी समीकरण को उलटफेर करने में जुट गए हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नामांकन करने के बाद अपने प्रत्याशियों में भी वो पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। मंगलौर कस्बे में पहुंचकर लोगों ने जनसंपर्क किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि हरिद्वार की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने केवल जनता को ठगने का काम किया, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि हरिद्वार में जनता बदलाव चाहती है। प्रचार हमारा जो है जनसंपर्क का हमारा वो है और हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हरिद्वार का स्थानीय सांसद लोगों को चाहिए। अब ये जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जो 5 साल में एक बार आते हैं और चुप के चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल यहाँ वापस नहीं आते, इन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से इस बार उड़ाना है। अपने हरिद्वार के मान और सम्मान को बचाना है, हरिद्वार के किसानों को बचाना है, हरिद्वार के बेरोजगारों को बचाना है और हरिद्वार के उस व्यापारी को बचाना है जिसे ये सरकार कुचलने में लगी हुई है। झांसी के पुष थाना क्षेत्र के गांव में दबंग ने अपनी दबंगई का कहर दिखाते हुए मजदूर को बीच रास्ते में रोककर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब मजदूर ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने अपना कहर बरपाते हुए लाठी डंडों से उसकी मारपीट कर दी। घटना में मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। दरअसल पुंछ थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्टेट निवासी जहां प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने गांव के ही दबंग के यहां मजदूरी कर रहा था। होली के त्यौहार की वजह से वो मजदूरी पर नहीं गया तो दबंग बौखला गया, बीच रास्ते में रोककर उसके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और मारपीट की। वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जीतन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राष्ट्र निर्माण विकास की बात करते हुए मन से जीतन प्रसाद के समर्थन में कमल के लिए मतदान करने की जनता से अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से हुए बात में वरुण गांधी को लेकर कहा कि वरुण उनके नेता है और पार्टी में उनका उपयोग दूसरी जगह किया जाएगा। जल्द ही वरुण गांधी से वार्ता कर चुनाव प्रचार के लिए बात कही जाएगी। लोकसभा के गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ रोड शो किया। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृशक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। रायबरेली में नहर में बहता मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जौनपुर ब्रांच नहर में अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस जनपद के आसपास के थानों में संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के माझी गांव के पास का यह पूरा मामला। कासगंज में पूर्णिमा का स्नान करने गए 14 साल के बच्चे गंगा घाट में डूब गए। गोताखोरों की मदद से
बच्चे को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि बच्चे का शव पानी में तैरता देख ग्रामीणों ने शव को निकाला, परिजनों को सूचना दी गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बच्चे के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव मुनिया का ही पूरा मामला। रायबरेली में बेलगाम प्रसूता पीड़िता के पति को किसी बात को लेकर जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों से जवाब मांगने पर कतराते नजर आए महिला अस्पताल के अधिकारी, सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला अस्पताल की पूरी घटना है। अतीम खाने का मामला सामने आया है, अब लीगल नोटिस तक ये पूरा पहुंच गया है। कानपुर की शान कहे जाने वाली और मुस्लिम इलाके परेड चौराहे की खूबसूरती कहे जाने वाली इमारत यतीम खाना की स्थापना सन 1894 में मुस्लिम यतीम बच्चों की अच्छी परवरिश और तालीम के लिए बनाया गया था। वहीं अब इसी यतीम खाने को लेकर दो मुस्लिम धर्म के लोग आमने सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।